गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। तो आज का दिन है 8वां या 7वां शायद, और आज आखिरी दिन अपना पहाड़ों का फॉर कपल ऑफ वीक्स और कपल ऑफ मंथ कह सकते हैं। फिर से दोबारा आना तो है ही है। मैं अभी रामपुर के पास जो गांव है वहां पर हूँ रोहित भाई के, और अब निकल रहा हूँ। अगले 15-20 मिनट में निकल जाऊँगा, 7:15, 7:30 मैक्स तक, और आज पहुँचना है दिल्ली। तो चलते हैं, आज कोई ज़्यादा बड़ा व्लॉग होगा नहीं, छोटा सा व्लॉग होगा, बिकॉज़ पहाड़ से उतरना है, ताबड़तोड़ चलते जाएंगे जहाँ तक है। और पहाड़ जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आगे गाड़ी चलाने में आसानी होती है, तो यही। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कहीं रुकना रुकाना है, बस चलते जाना है। यहाँ तो ठंडा हो रखा है सुबह 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 ठंड, शाम को ठंड, दिन को ठंड। तो 7:27 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। अब गाड़ी वाड़ी उठाएंगे, गाड़ी दिखाता हूँ, बिल्कुल ही पॉइंट पे रखी हुई है, घर के बाहर के गुलाब खिला हुआ है। तो यही गांव है पूरा, और इस गांव में अबू भाई की फैमिली रहती है, मतलब जितने भी घर हैं उन्हीं की फैमिली हैं, दादा की साइड के जो होते हैं ना वही हैं, मतलब और कोई है ही नहीं यहाँ पे, जितने भी 10-12 का घर हैं उनकी फैमिली के हैं। तो है बहुत ही आइसोलेटेड सी जगह पे, कोई मतलब मार्केट शार्केट नहीं है, थोड़ा सा पास में ही है, अगर आपको जाना था वो अपनी एड्रेस खड़ी ही है। तो जी रामपुर पे अपने एक डीजल पंप है, मैंने वहाँ पे गाड़ी फुल करवाई है, अब तक गाड़ी चल चुकी है 834.20 किलोमीटर, 850 होने वाली है, और अगर अभी रेंज देखें तो रेंज बता रही है तकरीबन 516। आई होप घर तक पहुँचने तक डीजल ना डलवानी पड़े। चला मैं ऐसे इकोनॉमी रोड मोड पे ही रहा हूँ, तो माइलेज वो 17.5 का दे रही है, 17.5 का ऊपर दिया है, नीचे हाईवे वापस जाऊँगा तो 19-20, 20-21 हो जाएगी। तो चलो चलते हैं भाई घर की तरफ, घर जाने का टाइम हो रहा है पहाड़ों से वापस, और ये माहौल दिख रहा है, खराब नहीं होगा मूड, नहीं मतलब नहीं होगा, होगा ना, वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है, माहौल देखो यार, नारकंडा से नारकंडा बहुत दूर ही चूमे 4 किलोमीटर बता रहा नारकंडा, शुरुआत हो गई थी, बर्फ बता देती है नारकंडा आने वाला है, नारकंडा कभी आ रहे होंगे यार, मुझे पूछना अगर नारकंडा में ऐसे ऐसे करना, थोड़ा सा आगे ही है भैया, पर डैम पर अमेजिंग प्लेस यार, मतलब माहौल है, वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि सीओ साहब जा रहे थे गाड़ी में जो आर्मी वाले, मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ, और ये वो कट है जो वाइल्ड माइल है ग्लैम्पिंग कैंप को जाता है, अविनाश भैया का कैंप का कट है वो। आई एम गोना मिस इट। चलो अविनाश भैया टाटा, तो बाय शाय, बस 2 मिनट के लिए रुका था मैं। तो ये वो शॉप है जहाँ पे मैंने एक बार ब्रेकफास्ट किया था, अभी तो बंद पड़ी है। तो जी छोटा सा कांड हो गया है, गाड़ी में हवा की दिक्कत थी, पूरा का पूरा टायर फ्लैट सा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो अच्छा है पंप लेके चलाऊंगा मैं, देख रहे हो किस दिखा रहे हैं, मैं 30 भर रहा हूँ इसमें, आपके 30 तो होनी चाहिए। हाँ साथ में मैंने कहा कॉफ़ी पकड़ लेते हैं, तो कॉफ़ी पकड़ ली है,
ये पीस हो जाए, फिर उसके बाद एक बार पंचर की शॉप पे दिखाना पड़ेगा इसको। तो जी मैं पहुंच गया हूं करनाल कर्ण लेक के पास। उससे थोड़ा सा पहले एक छोटा सा मॉल है जहां पे ना ड्राइव थ्रू है मैकडी का। तो मैंने सोचा यार सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी के निकला था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बर्गर पकड़ लेते हैं। तो अगर आप किलोमीटर, तो 12,585 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, और 11,000 जूम इन क्यों नहीं हो रहा, अब होगा 1190 किलोमीटर इसी ट्रिप में, मतलब जो मैं नारकंडा वगैरह में आया था उसमें गाड़ी छोड़ना नारकंडा तक फिर रामपुर एंड वापस, तो 1190 किलोमीटर हो चुका है। चलो जी आगे चलते हैं और बर्गर पकड़ते हैं, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ घर। तो जी मैंने पकड़ लिया कोक फ्राइज और एक मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, ये खाते हुए चलते हैं, पहुंच जाएंगे रात तक। आगे एक हैरियर जा रही है, उसमें एक पप्पू बैठा है, देख रहे हो, दिख रहा है, बगल में लेके दिखा रहा हूँ, शायद अगर ले पाऊंगा। एला डोमी जिंदा हुआ, एला डोमी की कैटेगरी का है, दिख रहा है नाक निकाल लिया उसने। भाई बड़ा बुरा हाल है दिल्ली का, भाई बहुत बुरा हाल है दिल्ली का, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। लग रहा है मुझे बैंगलोर और मुंबई बनने की कगार पे चल दिया है हमारा दिल्ली। देखो टेम्परेचर देखो आप, -26 से 26 डिग्री में आ रखा हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत है इस टाइम, मैंने एसी चलाया हुआ है, अगर आप देखो एसी ऑन है गाड़ी का, 26 डिग्री में लोगों ने नहीं चला रखा, लग ही नहीं रहा होगा कि क्या जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी होगी ना कि नॉर्मल है 26 है, मेरी इतनी हालत ख़राब है, पसीने आ रहे हैं मुझे, मैंने अपनी जैकेट उतार दी है, खाली स्वेटर में बैठा हूँ। भाई मेरे यार क्या कर रहे हो भाई, कहाँ से कहाँ आ गया है ना, बुरा हाल है। तो जी गाड़ी ने अब तक माइलेज दिया है 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का, जिसमें गाड़ी चली है 1384, इसमें आप 15 किलोमीटर और जोड़ लो यानी कि 1400 किलोमीटर चल जाएगी घर पहुँचते। तो अब व्लॉग को यही समाप्त करते हैं, आखिरी व्लॉग है पूरे ट्रिप का। स्पीति का ट्रिप बहुत बहुत अमेजिंग रहा है, और जिसको भी अगर जाना है और परफेक्ट तरीके से, जैसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास व्हीकल नहीं है या फिर कुछ, भाई प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मेरे दोस्त है भाई हैं कुछ भी कह लो, अविनाश भैया अगर चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह करवा दूंगा। विंटर स्पीति का लास्ट मैच है शायद 19 या 20 मार्च को है जो ग्रुप जा रहा है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ठीक, अगर नहीं है तो देन ऑल्सो दे कैन अरेंज। बाकी जितने भी सवाल जवाब कुछ भी हों फील फ्री टू कॉमेंट, और मैं जैसा मैंने बोला था कि एक मैं सेशन बनाऊंगा अपना। जो भी सवाल हो स्पीति से रिलेटेड प्लीज़ बताना, मैं उस सबका जवाब दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो अक्षा व्लॉग्स को इंस्टाग्राम पे, अक्षा_व्लॉग्स। टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।